भारत के महत्वाकांक्षी मून मिशन चंद्रयान 2 पर देश और दुनिया की नजरें टिकी हैं। इस बीच इसरो ने एक और व्हील के पत्थर को पार करने में कामयाबी हासिल की है, जिसके साथ ही चंद्रयान अब अपने अंतिम और बेहद अहम दौर में पहुंच गया है। चांद और चंद्रयान के बीच का फासला अब केवल 35 किलोमीटर का रह गया है। चंद्रमा पर लैंडिंग में अब केवल 3 दिन का वक्त बचा है और इसरो के साथ ही दुनिया भर के वैज्ञानिक भी इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। चंद्रयान ने फिर किया कमाल। इसरो के मुताबिक आज चंद्रयान को सबसे निचली कक्षा में ले जाने का काम सुबह 3:42 पर फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ अंजाम दिया गया। ये प्रक्रिया कुल 9 सेकंड की ही रही। इसके तहत यान के प्रोपल्शन सिस्टम को चालू करते ही लैंडर विक्रम ने उल्टी दिशा का रुख किया और फिर से सीधी दिशा पकड़ ली। फिलहाल विक्रम लैंडर 35 किलोमीटर वाली एपोजी यानी चांद से न्यूनतम दूरी और 101 किलोमीटर वाली पेरिजी यानी चांद से अधिकतम दूरी वाली कक्षा में चक्कर लगा रहा है। इसरो पहले न्यूनतम दूरी 36 किलोमीटर करने वाला था, लेकिन चंद्रयान की बेहतर परफॉर्मेंस के चलते उसे 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचा दिया गया। यानी चंद्रयान उस मकाम पर पहुंच गया है जहां से उसे चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करनी है। वही बात अगर चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर की करें तो फिलहाल 96 किलोमीटर वाली एपोजी और 125 किलोमीटर वाली पेरिजी में चांद के चक्कर लगा रहा है। चंद्रयान ने कैसे बदली चाल? लैंडर विक्रम में एक सेंट्रल इंजन है और 4 सहायक इंजन लगे हैं। जब विक्रम ने 9 सेकंड के लिए चाल बदली तो उसके पीछे लगे इंजन में आग पैदा हुई। इससे विक्रम के एक तरफ का एल्टीट्यूड ज्यादा जबकि दूसरी तरफ का एल्टीट्यूड कम हो गया। इस कम एल्टीट्यूड के कारण चांद की सतह पर उतरना आसान होगा। फिलहाल चंद्रयान को लेकर जो अच्छी बात है वो ये है कि स्पेसक्राफ्ट बहुत बेहतर ढंग से काम कर रहा है और इसरो इसके काम काज से बिल्कुल संतुष्ट है। कितनी रफ्तार से चक्कर लगा रहा है लैंडर? अब चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने से पहले तक विक्रम लैंडर करीब 2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चांद के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। यानी 1 मिनट में ये 120 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। 1 घंटे में 7200 किलोमीटर की गति से विक्रम लैंडर चांद का चक्कर लगा रहा है। इस गति में चांद की कक्षा में घूमना किसी चुनौती से कम नहीं है। ऑर्बिटर लैंडर का हेल्थ चेकअप क्यों है जरूरी? चांद की चारों तरफ ग्रेविटी बराबर नहीं है, जिससे चंद्रयान 2 के इलेक्ट्रॉनिक्स पर असर पड़ता है। लिहाजा चांद की ग्रेविटी और वातावरण की बारीकी से गणना करते हुए विक्रम लैंडर और रोवर की सेहत ठीक रखनी होगी। 6 सितंबर तक विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के सभी सेंसर्स और पेलोड्स की सेहत की जांच होती रहेगी। सेहत की निगरानी बेंगलुरु के पास मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स से इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क और इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क एंटेना की मदद से की जा रही है। सॉफ्ट लैंडिंग सबसे बड़ी चुनौती क्यों है? इसरो वैज्ञानिकों के मुताबिक चंद्रमा पर विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की सॉफ्ट लैंडिंग सबसे बड़ी चुनौती है। चांद की कक्षा से दक्षिणी ध्रुव पर रोवर और लैंडर को आराम से उतारने के लिए प्रोपल्शन सिस्टम और ऑनबोर्ड कंप्यूटर का काम मुख्य होगा। ये सभी काम ऑटोमेटिकली होंगे। इस दौरान लैंडर में लगे सेंसर्स और कैमरे चांद की सतह की तस्वीरें लेंगे। उनकी जांच करके विक्रम लैंडर समतल जगह पर उतरने की कोशिश करेगा, क्योंकि 12 डिग्री से ज्यादा की ढाल पर विक्रम लैंडर पलट सकता है। लैंडिंग के समय यान 2 मीटर प्रति सेकंड यानी 7.2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चांद पर उतरेगा। लैंडर इसी रफ्तार से करीब 6 किलोमीटर ऊंचाई से नीचे आएगा। उतरते वक्त ऐसे काम करेगा चंद्रयान 2। चांद की सतह पर बहुत से गड्ढे, पत्थर और धूल का अंबार है। जैसे ही लैंडर चांद की सतह पर अपना प्रोपल्शन सिस्टम ऑन करेगा, वहां तेजी से धूल उड़ेगी। धूल उड़कर लैंडर के सोलर पैनल पर जमा हो सकती है। इससे पावर सप्लाई ठप हो सकती है और ऑनबोर्ड कंप्यूटर के सेंसर्स पर असर पड़ सकता है। लिहाजा विक्रम लैंडर में लगे 5 इंजन में से 4 इंजन करीब 13 मीटर की ऊंचाई पर बंद कर दिए जाएंगे। केवल बीच वाला इंजन काम करेगा। इससे धूल छंटकर दूसरी दिशा में चली जाएगी।
ऐसा रहेगा चांद को छूने का घटनाक्रम। इसरो का मून मिशन कामयाब होने पर भारत कुछ गिने चुने देशों के एलीट क्लब में शामिल हो जाएगा। अब तक केवल अमेरिका, रूस और चीन ही चंद्रमा पर मिशन मुकम्मल कर पाए हैं। इसरो वैज्ञानिक पूरी तरह से उत्साहित हैं। वे अब बड़े दिन की उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं। लिहाजा आप भी जान लीजिए 7 सितंबर को टीम इसरो कैसे हर काम को अंजाम देने वाली है। 6 और 7 सितंबर की दरमियानी रात 1 बजे विक्रम लैंडर 35 किलोमीटर की ऊंचाई से चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरना शुरू करेगा। तब इसकी रफ्तार 200 मीटर प्रति सेकंड रहेगी। इस रफ्तार को इसरो वैज्ञानिक तेजी से कम करते जाएंगे। रात 1:55 विक्रम लैंडर दक्षिणी ध्रुव पर मौजूद क्रेटर मेंजिनस सी और सिंपेलियस एन के बीच मौजूद समतल जगह पर उतरेगा। उतरने से पहले करीब 6 किलोमीटर की ऊंचाई से लैंडर 2 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चांद को छुएगा। टीम इसरो और पूरे हिंदुस्तान के लिए ये 15 मिनट धड़कने बढ़ा देने वाले होंगे। रात 3:55 चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग के करीब 2 घंटे के बाद विक्रम लैंडर का रैंप खुलेगा, जिसके जरिए 6 पहियों वाला नन्हा प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पर उतरेगा। सुबह 5:05 प्रज्ञान रोवर का सोलर पैनल खुलेंगे। इस सोलर पैनल के जरिए वो ऊर्जा हासिल करेगा। सुबह 5:10 प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पर चलना शुरू करेगा। वो 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चांद की सतह पर 14 दिनों तक यात्रा करेगा। इस दौरान वो 500 मीटर की दूरी तय करेगा। इस दौरान ये कई वैज्ञानिक प्रयोग करेगा, जिनकी जानकारी विक्रम लैंडर पर भेजेगा। लैंडर वहाँ से ऑर्बिटर को डेटा भेजेगा और ऑर्बिटर उनको इसरो सेंटर के पास भेजेगा। इस पूरी प्रक्रिया में करीब 15 मिनट लगेंगे। लैंडिंग के बाद ये काम करेंगे ऑर्बिटर और लैंडर। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर चांद से 100 किलोमीटर ऊपर चक्कर लगाते हुए लैंडर और रोवर से प्राप्त जानकारी को इसरो सेंटर पर भेजेगा। साथ ही इसरो से भेजे गए कमांड को लैंडर और रोवर तक पहुंचाएगा। ये 1 साल तक चांद के चक्कर लगाता रहेगा। वहीं लैंडर 1 लूनर डे यानी 14 दिन तक वैज्ञानिक प्रयोग करेगा। ये सूचनाओं को इसरो तक पहुँचाने के लिए रोवर और ऑर्बिटर के बीच की कड़ी बनेगा। कैसा रहा है चंद्रयान 2 का सफर? चंद्रयान ने अब तक के सभी मुश्किल पड़ाव बड़ी सटीकता से पार कर लिए हैं और लैंडिंग वाले मकाम पर पहुंच गया है। वहीं यान का ऑर्बिटर चांद का 1 साल तक चक्कर लगाने वाला है। आपको बता दें कि लॉन्चिंग के बाद 23 दिनों तक पृथ्वी की कक्षा में घूमते रहने के बाद चंद्रयान 2 ने 14 अगस्त को चांद की यात्रा शुरू की थी, जहाँ से 20 अगस्त को चांद के पहले ऑर्बिटर में एंटर हुआ। चांद की 5 कक्षाएं बदलने के बाद 2 सितंबर को बेहद मुश्किल समझे जाने वाले लैंडर और ऑर्बिटर सेपरेशन को अंजाम दिया। इस मुश्किल टास्क के बाद चांद पर लैंडर ने 2D ऑर्बिट मनूवर को पूरा कर लिया और लैंडिंग करने वाले मुकाम पर पहुंच गया है। इसकी 22 जुलाई को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्चिंग हुई थी। नासा के साथ पूरी दुनिया की दिलचस्पी। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा एस्ट्रोनॉट डोनाल्ड जे थॉमस के मुताबिक चंद्रयान 2 ऐसा पहला यान है जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास लैंड करेगा। ये ऐसी जगह है जहां नासा अगले 5 सालों में अपना अंतरिक्ष यात्री लैंड करवाने वाला है। लेकिन नासा ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया चांद पर जा रहे चंद्रयान 2 के बारे में जानने की दिलचस्पी रखती है। इतना ही नहीं, नासा के वरिष्ठ वैज्ञानिक एम लिनेगर मिशन के संबंध में एक लाइव शो करने के लिए भारत आ रहे हैं। इसरो इतिहास का सबसे कठिन काम। इसरो के पूर्व अध्यक्ष जी माधवन नायर ने कहा कि चंद्रमा पर चंद्रयान 2 की सॉफ्ट लैंडिंग एजेंसी के इतिहास का सबसे कठिन काम होगा। हालांकि इसकी सफलता को लेकर 100% भरोसा है। चंद्रयान 1 की सफलता के शिल्पी रहे नायर ने कहा कि ऑर्बिटर से लैंडर के अलग होने के बाद से ही असल और सबसे मुश्किल काम शुरू हुआ है। ये बहुत ही कठिन अभियान है, क्योंकि इससे पहले किसी देश ने इस तरह का कठिन काम नहीं किया है। ये खोज करने वाला है चंद्रयान। 1 लूनर डे यानी धरती के 14 दिनों तक चंद्रयान कई तरह की खोज करने वाला है। वो चंद्रमा की सतह की रासायनिक संरचना का पता लगाएगा, चंद्रमा पर मौजूद खनिजों के बारे में जानकारी इकट्ठा करेगा, वहाँ के वातावरण, पानी की मौजूदगी, थर्मोभौतिकी विशेषताओं, चंद्रमा की उत्पत्ति समेत कई रिसर्च करेगा।